आजकल बच्चे बोलना बाद में सीखते हैं और स्मार्टफोन्स चलाना पहले ही सीख लेते हैं। कम उम्र में ही स्मार्टफोन्स और गैजेट्स का प्रयोग आपके बच्चों की साइकोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान को प्रभावित करता है। रिसर्च में पाया गया है कि पहले की अपेक्षा आजकल के बच्चे की डिजिटल समझ जल्दी और तेजी से विकसित होती है, इसलिए बच्चे कम उम्र में ही गेम खेलना, म्यूजिक प्ले करना, वीडियोस प्ले करना और फोटो के लिए पोज देना भी सीख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं स्मार्टफोन्स और गैजेट से आपके बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट प्रभावित होता है। स्मार्टफोन और इंटरनेट ने बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल और इमोशनल डेवलपमेंट को भी प्रभावित किया है। स्मार्टफोन के उपयोग से बच्चे मॉडर्न और स्मार्ट तो बन रहे हैं, लेकिन खुद के एज के बच्चों से उनका कम्युनिकेशन बहुत ही कम होते जा रहा है। एक स्टडी के अनुसार बच्चे सबसे ज्यादा फेस टू फेस कम्युनिकेशन से सीखते हैं, लेकिन स्मार्ट गैजेट्स के प्रयोग के कारण बच्चों में लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हुआ है। इससे उनका सोशल डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है। कमजोर हो रहा है बच्चों का शब्दकोश। 2-2.5 साल तक हर बच्चा बोलना और सुनना सीखता है। इस दौरान उसका अपना शब्द भंडार तैयार होता है। इस उम्र में यदि बच्चे स्मार्टफोन के साथ समय बिताएंगे तो उनके बोलने और सुनने की प्रक्रिया में बाधा आएगी और उनका शब्दकोश कमजोर हो जाएगा। बच्चों का दिन में 15-25% समय स्क्रीन देखने में जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि 10 साल से बड़े 50-60% बच्चे अपने दिन का 15-25% समय स्क्रीन के सामने गुजारते हैं। वहीं 16 साल से बड़े 60-65% बच्चे दिन का 20-30% समय स्क्रीन पर गुजारते हैं। दरअसल आजकल हम लोग चारों तरफ स्क्रीन वाले डिवाइसेस से घिरे हुए हैं। बचपन में स्मार्टफोन का प्रयोग, टीवी पर कार्टून और फिल्में देखना, लैपटॉप और टैबलेट्स के इस्तेमाल से बच्चों की आंखें तो प्रभावित होती ही है, उनका मनोविज्ञान भी प्रभावित होता है। यहाँ तक कि आजकल ढेर सारे स्कूलों में प्रोजेक्टर और स्क्रीन के सहारे डिजिटल स्टडी करवाई जाती है। दिमाग पर पड़ता है बुरा प्रभाव। जब हम ऐसे डिवाइसेस बच्चों को देते हैं तो वे डिवाइस से निकलने वाली आवाज और रोशनी के प्रति प्राकृतिक आवाज और रोशनी की तुलना में कई ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसके कारण बच्चों की प्राकृतिक और समाज से जुड़ने की स्वाभाविकता खत्म हो जाती है। अब अगर बच्चा बचपन से ही इन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है तो उसका दिमागी विकास इससे प्रभावित होता है। इन डिवाइस की वजह से दिमाग में विकसित होने वाली कई महत्वपूर्ण सेल्स पैदा होने के साथ ही धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिससे बच्चा कुछ विशेष कामों में पीछे रह जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर सेल्स का विकास दोबारा नहीं हो पाता है और बच्चों को उन खास दिमागी विकृति के साथ ही जीवन गुजारना पड़ सकता है। इन डिवाइसेस के वजह से हो सकती है और भी कुछ परेशानियाँ। इन डिवाइसेस के इस्तेमाल से आम तौर पर बच्चों को जो परेशानियाँ होती है वो है किसी भी चीज पर फोकस न कर पाना, दिमाग एकाग्र न होना, चीजें जल्दी भूल जाना, सही गलत के निर्णय क्षमता में कमी आना, एटीट्यूड में बदलाव आना, लोगों की बातों को ठीक तरह से न समझ पाना और इसी कारण कई बार बदतमीजी और जिद्दीपन का स्वभाव अपना लेना और भी कई सारी समस्याएं इस वजह से आ सकती है। दुनिया बदल रही है तो हमें भी बदलना चाहिए, बिकॉज चेंज इज इम्पोर्टेंट। पर हमें हमेशा एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी चीज अगर ओवर हो तो वो हमारे लिए खराब ही होती है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे स्मार्टफोन और लैपटॉप्स जैसे डिवाइसेस ओवर यूज ना करें। ओके गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।